को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का महानिदेशक बताकर एक ठग ने कई लोगों को चूना लगा दिया। इको टूरिज्म सहित अन्य स्कीम के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लिए और फरार हो गया। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपी ब्रह्मघाट वाराणसी निवासी अनिरुद्ध आनंद कुमार होशिंग के खिलाफ धोखाधड़ी और MPID एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक जैताला निवासी सुनील बसंतराव कोहिकर की शिकायत पर राणा प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज किया। अक्टूबर 2021 में कोहिकर का परिचय होशिंग से हुआ था। उसने खुद को पर्यटन मंत्रालय का महानिदेशक बताया, केंद्र और उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें बताई, कुछ सेलिब्रिटी के साथ भी उसकी तस्वीरें थी। सरकार के नाम पर उसने बोगस मैगजीन भी छाप रखी थी। लोगों को बताया कि उनका पैसा पर्यटन मंत्रालय के अधीन चलने वाली स्कीम में निवेश किया जाएगा, इसमें उन्हें भारी मुनाफा होगा। कोहिकर समेत 5 लोग उसके झांसे में आ गए और समय समय पर होशिंग को 48,85,000 रुपए दिए। लोगों का पैसा लेने के बाद होशिंग अचानक गायब हो गया। पीड़ितों ने उससे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका फोन नंबर बंद हो गया था। आखिर परेशान होकर पुलिस से शिकायत की है। प्राथमिक जांच में वह ठग होने की बात सामने आई है। होशिंग के खिलाफ और भी मामले दर्ज हो चुके हैं। उसने पर्यटन मंत्रालय के नाम पर अपना ट्विटर अकाउंट भी बना रखा था। हाल ही में हुए G20 समिट में भी उसने विदेश से आए मेहमानों के साथ फोटो अपलोड की थी। जानकारी मिली है कि अपनी ठगी का धंधा बढ़ाने के लिए होशिंग 5 सितारा होटलों में सेमिनार भी लेता था। DCP अर्जित चांडक ने बताया कि फिलहाल 5 पीड़ित सामने आए हैं। मामला दर्ज होने की जानकारी मिलने पर और भी लोग पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। पुलिस होशिंग की तलाश में जुट गई है। आर्थिक गुन्हे शाखा नागपूर शहर पुलिस कड़े काही दिवस पूर्वी तक्रारदार आले होते की एक माणूस आहे अनिरुद्ध होशिंग म्हणून, आणि हे वेगळ्या वेगळ्या हॉटेल्स 5-star हॉटेल्समध्ये प्रेस कॉन्फरन्स करीत आहोत, आणि मी टुरिझम मिनिस्ट्रीमध्ये जनरल डायरेक्टरच्या पदावर आहोत, कार्यरत आहोत, आणि आमची अशी स्कीम आहे, तुम्ही याच्यामध्ये फंडिंग करा आणि तुम्हाला रिटर्न्स भेटतील, असा त्यांचा एक स्कीम होता, फ्रॉडचा स्कीम होता। आणि त्यांनी खूप फॉर्जरी पण केलेली आहे, बनावट पत्रिका तयार केलेली आहे, ऑनरेबल PM ऑनरेबल HMच्या नावावर त्यांनी काहीतरी पॅम्फलेट्स पण तयार करून लोकांना भासवलेले आहे। त्याच्यानंतर तत्काल दखल घेतलेली होती आणि चौकशी सुरू केली होती, आणि एक RP नगर पोल्युशनमध्ये FIR नंबर 387/23 दाखल झाला होता। त्याच्यामध्ये वेगळे वेगळे कलम IPCचे चीटिंग आणि फॉर्जरीचे लाभले होते, आणि आर्थिक गुन्हे शाखाची खूप उत्तम कामगिरी होती। याच्यामध्ये दोन दिवसात आम्ही लखनौतून आरोपीला अटक करून त्यांच्याकडे जे काही आयपॅड्स, आयफोन्स, टॅबलेट्स, त्यांची BMW कार, त्यांचे अकाउंट डिटेल्स किंवा प्रॉपर्टी डिटेल्स हे सर्व जप्त करण्यात आला होता। आणि आता पुढच्या इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे, किती इन्व्हेस्टर्स आहे याच्यामध्ये, कोणता कोणता काय काय लिंक्स आहे आणि टोटल रक्कम किती आहे फ्रॉडची, हे आम्ही आता शोध करणार। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।